गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन लिखेंगे टोपी बेचने वाला और बंदर, क्योंकि बंदर होता है लालच। वो अपन जैसे करते हैं वैसे ही वो अपनी देख के नकल करता हरकते करता रहता है। इसी तरह से एक बार टोपी बेचने वाला आया गांव में और वो थक गया, इसलिए वह पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तो बंदर आए, बंदर ने देखा कि ये क्या, बंदरों का पूरा झुंड इकट्ठा हुआ और उसकी गठरी को खोल करके सबने उसी की तरह टोपी पहन ली। फिर बच्चा परेशान हो गया टोपी वाला, फिर उसने सोचा कि ये अपन को देख के टोपी पहननी है तो अपन अपनी टोपी भगा देते हैं। जैसे इसने टोपी भगाई वैसे इन बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां फेंक दी। तो इस प्रकार हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। जैसे कि बुद्धिमान टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपियां पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि से काम लिया कि उसने टोपी उतार के फेंक दी, उसी प्रकार बंदरों ने भी वो टोपी फेंक दी थी। तो चलो लिखते हैं। एक समय एक टोपी बेचने वाला था। गांव में जाता था। एक गर्मी के दिन, एक यानी गर्मियां बहुत तेज हो गई थी, तो एक गर्मी के दिन वह जंगल में से जा रहा था। एक गर्मी के दिन वह एक जंगल से जा रहा था। उसने थकान महसूस की लेट गया। अब उस पेड़ पे क्या था? बंदर रहते थे। उसे शीघ्र ही नींद आ गई ठंडी हवा के अंदर। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। वे नीचे आए। सारे बंदर क्या है? सभी सब बंदर नीचे आ गए। उन्होंने टोपी का गठड़ खोला
ये गठट पोटली वो है उसने आगे खोली और फिर क्या किया सबने एक एक उन्होंने टोपियां ली और वापस पेड़ पर चढ़ गई। उन्होंने टोपियां ली और वापस पेड़ पर चढ़ गए। अब क्या है टोपी वाले तो भी शीघ्र ही नींद खुल गई वो जग गया शीघ्र ही टोपी बेचने वाला जाग गया शीघ्र ही टोपी बेचने वाला जाग गया। अब अगर टोपी ने पकड़ा वो दुखी होया उसने क्या किया उसने अपनी टोपियां गायब पाई या गायब हुई मिली। वह बहुत दुखी हुआ वह बहुत दुखी हुआ। फिर उसने क्या किया इधर उधर फिर क्या है वह बहुत दुखी हुआ और संयोग बस दुखी होकर बैठ गया। फिर संयोग बस उसने पेड़ की तरफ देखा ऊपर की तरफ देखा संयोग बस उसने ऊपर की तरफ देखा वहां क्या था बंदर बैठे थे उसने बंदर देखे ऊपर की तरफ दिखाया ऊपर देखा ऊपर देखा वहां बंदर बैठे थे या बंदर थे उसने फिर उसने ऊपर क्या देखा उसने बंदर देखे बंदर के पास क्या थी टोपियां थी बंदरों के पास उसने अपनी टोपियां देखी उनके पास उसकी टोपियां थी। उसने एक योजना सोची यानी उसने अपनी बुद्धि से काम लिया उसने एक योजना सोची उसने क्या किया उसने एक योजना सोची क्या सोची उसने अपनी टोपी पहन ली। टोपी वाले ने क्या किया उसने अपनी टोपी पहन ली टोपी पहनी। अब ये देखकर बंदरों ने भी क्या किया बंदरों ने भी उस सबने अपनी अपनी टोपी पहन ली बंदरों ने भी पहन ली यानी टोपियां पहन ली। तो टोपी वाले की समझ में आ गया कि ये नकलची है। बेचने वाले ने उसे उतारा और जमीन पर फेंक दिया टोपी को उतारा और जमीन पर फेंक दिया बेचने वाले ने
उसे उतारा और जमीन पर फेंक दिया। उतारा और जमीन पर फेंक दिया। अब बंदरों ने क्या किया? बंदरों ने भी वैसा ही किया, क्योंकि वो तो नकलची थे। बंदरों ने भी क्या किया? वैसा ही किया। बंदरों ने भी वैसा ही किया, यानी उन्होंने भी सबने क्या किया, टोपी उतार के फेंक दी। अब ये बताओ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो मैं हर कहानी की शिक्षा लिखवा रही हूँ, इसलिए आप सबको ये कहानियों से जो शिक्षा मिलती है ये याद होनी चाहिए और ऐसा हमें भी करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान टोपी वाले ने, तो अब है इस प्रकार अपन लिखे, इस प्रकार बुद्धिमान कौन था? वो टोपी वाला था या बंदर? टोपी वाला। बुद्धिमान टोपी बेचने वाले, बुद्धिमान टोपी बेचने वाले, नहीं टोपी बेचने वाला, अपनी वाले ने अपनी टोपियां ने प्राप्त की। टोपी बेचने वाले ने अपनी प्राप्त की। ये हुई आपको मुख्य शिक्षा। ठीक है, अब अपना कहानियों का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। कल से अपन लेंगे निबंध। निबंध अपन ने शायद एक दो ही लिखे हैं, तो कल से अपन निबंध लिखेंगे।